नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, CBI ने मांगा रिकॉर्ड, दर्ज करेगी FIR। दो आरोपियों का कांगड़ा कोर्ट में सरेंडर, 5 दिन के रिमांड पर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दिया शांति पुरस्कार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने सम्मानित किए धर्मगुरु। हिमाचल में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग पर विवाद, बिना रजिस्ट्रेशन कराई जा रही प्री प्राइमरी टीचर्स भर्ती से पहले खुलासा, अदालत पहुंचा मामला। कांगड़ा में लापता APRO संजीव के परिजनों का प्रदर्शन, धर्मशाला पहुंचकर जांच पर उठाए सवाल, चुनाव ड्यूटी के दिन से हैं लापता। कांगड़ा की युवती का चंडीगढ़ में सड़क किनारे कार में मिला शव, दो युवक गिरफ्तार। फोरलेन कंपनी की कंप्यूटर लैब ट्रक, शॉर्ट सर्किट से उठी लपटों ने फूंका 10 लाख का सामान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी। FIR दर्ज करने के लिए CBI ने पुलिस विभाग से केस संबंधी रिकॉर्ड मांगा है। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI से जांच करने का आग्रह किया था। आग्रह को मानते हुए CBI ने हिमाचल पुलिस को पत्र लिखकर कहा है कि जिला कांगड़ा के गग्गल थाने और CID द्वारा दर्ज FIR चार्जशीट सहित अन्य जानकारियां प्रेषित की जाएं। वहीं मामले में दो अन्य आरोपियों ने कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ के बाद जिला कांगड़ा सहित प्रदेश भर में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने धर्मशाला में अपना पहला शांति पुरस्कार दिया। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने तिब्बती धर्मगुरु को यह सम्मान प्रदान किया। दलाई लामा ने इस पुरस्कार के लिए फाउंडेशन का आभार जताते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्व में दया, एकता और अहिंसा पर जोर दिया। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर ने कहा कि गांधी मंडेला के बाद पूरे विश्व में कोई शांति दूत है तो वे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हैं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व में शांति की जरूरत है, लेकिन हथियार किसी समस्या का हल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कई प्राइवेट शिक्षण संस्थान नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से पहले इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। शिकायतें मिलने के बाद राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में मामला पहुंचा। अगले हफ्ते आयोग की अदालत में केस की सुनवाई होगी। आयोग ने मामले को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भी जवाब मांगा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर उपमंडल के तहत आशापुरी पोलिंग स्टेशन से चुनाव ड्यूटी से लापता हुए APRO संजीव कुमार का 8 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस व परिजनों को नहीं मिला है। इसके चलते SDRF की टीम को एक मर्तबा फिर लापता संजीव कुमार को तलाश करने के निर्देश ADM कांगड़ा रोहित राठौर ने दिए हैं, जिसके चलते शनिवार को लापता संजीव कुमार की तलाश के लिए परिजनों ने धर्मशाला पहुंचकर प्रदर्शन किया। परिवार के सदस्यों व ग्रामीण रोंगखर पंचायत प्रधान नीलम कुमारी के नेतृत्व में धर्मशाला पहुंचे। परिजनों व ग्रामीणों ने SDM कांगड़ा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप संजीव कुमार को ढूंढने की मांग कर कई सवाल भी उठाए और इन सवालों के तहत जांच करने की गुहार लगाई है। हिमाचल की युवती का चंडीगढ़ में शव बरामद हुआ है। ये शव सड़क किनारे खड़ी कार में से बरामद किया गया। युवती की मौत नशे की ओवरडोज से होने की बात सामने आई है। वहीं युवती की बहन की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जिस कार में युवती का शव मिला है वो सड़क किनारे खेत में पार्क की हुई थी। युवती हिमाचल के कांगड़ा जिला की रहने वाली थी। पुलिस को सौंपी शिकायत में मृतक युवती की बहन ने बताया कि उसकी बहन निशा विदेश में सेटल होना चाहती थी, इसी के चलते वो ट्रैवल एजेंट से मिली थी। स्वारघाट में शनिवार सुबह करीब 7 बजे कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण कार्य में लगी गाबर कंपनी के जकातखाना साइट कार्यालय की कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क गई। हालांकि करीब 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लैब में रखा गया सामान, कंप्यूटर, फर्नीचर, कागजी रिकॉर्ड सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। आगजनी की इस घटना में कंपनी को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना स्वारघाट की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम द्वारा आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।